दबंग युवकों ने की महिला के साथ मारपीट दी गई तहरीर। शुकोआबाद थाना क्षेत्र के हाईवे रोड स्थित गांव भोजिया में उस समय सनसनी फैल गई जब कुछ दबंग युवकों ने महिला के साथ मारपीट कर दी। पीड़ित ने थाना में तहरीर दी है। सुशीला देवी पत्नी ताराचंद निवासी भोजिया बीती रात अपने घर पर थी, तभी कुछ दबंग युवक आए और महिला के साथ मुंह में कपड़ा ठूस कर मारपीट कर दी, जिससे महिला घायल हो गई। सुबह होने पर महिला के पति ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायल महिला को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहीं महिला के पति ने 5 युवकों पर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बीते दिन बच्चे से कुछ बात हो गई थी, जिसके चलते युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस संबंध में महिला के पति ने 5 युवकों के खिलाफ थाना में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। मेरी पत्नी ने रात में उनकी मारपीट की है। किसने मारपीट की है, कितने लोगों ने? 5 लोगों ने। काय से मारपीट की है? हाँ, चप्पू से मारा है, दिखाया है चप्पू छुरी और हाथों से मारा है। गोल बांध रहे थे, इसके हाथ बांध रहे थे, मुँह में कपड़ा दे दिया था और पीछे ऐसे चढ़े हो पीछे ये कोई करे। कितने लोग थे? 5 लोग। 5 लोग। कौन से गाँव की घटना है ये? जी भूजिया का। तो आपने पुलिस को शिकायत की? हाँ, करी साहब पुलिस गई थी इलाहाबाद। मेडिकल करा दिया? मेडिकल ले जा रहे हैं मेडिकल। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।